दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लंदन के ओवल स्टेडियम में जारी WTC फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन अगर टीम इंडिया फॉलो ऑन टालने के लिए जरूरी 270 रन का आंकड़ा छूने में सफल रही तो उसमें अजिंक्य रहाणे के अलावा शार्दुल ठाकुर का अहम योगदान रहा। आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर भारतीय टीम के नए संकट मोचक बन गए हैं। विदेशी जमीन पर जब टीम इंडिया मुश्किल में होती है तो शार्दुल ठाकुर कभी गेंद से कमाल करते हैं तो कभी बल्लेबाजी में हाथ दिखाते हैं। इस बार शार्दुल ने यह कमाल इंग्लैंड के ओवल में कर दिखाया। दोस्तों बता दें कि विश्व टेस्ट चैंपियन के फाइनल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 109 गेंद पर 51 रन की शानदार पारी खेली। उनका टेस्ट में यह चौथा अर्धशतक है। आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर लॉर्ड्स में लगातार 3 अर्धशतक लगाए हैं और हर बार टीम इंडिया को संकट से निकाला है। इसके साथ ही शार्दुल ठाकुर ने ऑस्ट्रेलिया के 2 महान बल्लेबाज की रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें। हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर जब बल्लेबाजी के लिए आए तो टीम इंडिया का स्कोर 6 विकेट पर 152 रन था। यहां से उन्होंने अजिंक्य रहाणे का बाखूबी साथ दिया। उन्होंने रहाणे के साथ 7वें विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी की। दोस्तों बता दें कि रहाणे और शार्दुल की साझेदारी ने भारत के ऊपर से फॉलो ऑन के खतरे को टाल दिया। शार्दुल 9वें बल्लेबाज के तौर पर आउट हुए। भारतीय टीम पहली पारी में 296 रन पर सिमट गई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 469 रन बनाए थे। उसे पहले पारी के आधार पर 173 रन की बढ़त मिली। और दोस्तों बता दें कि शार्दुल ठाकुर अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर ओवल के लॉर्ड्स बन गए हैं। उन्होंने इस मैदान पर लगातार तीसरी पारी में अर्धशतक लगाया है। पिछली बार जब टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर गई थी तब शार्दुल ने कमाल किया था। आपको बता दें कि उन्होंने 2021 में दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया था। शार्दुल जब पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरे थे तब टीम इंडिया का स्कोर 6 विकेट पर 117 रन था। उन्होंने 36 गेंद पर 57 रन बनाए थे। दूसरी पारी में जब भारत का स्कोर 6 विकेट पर 312 रन था तब शार्दुल ठाकुर ने 72 गेंद पर 60 रन की पारी खेली थी। भारत उस टेस्ट को 157 रन से जीता था। दोस्तों आपको बता दें कि शार्दुल ने ओवल में लगातार तीसरा अर्धशतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन और एलन बॉर्डर के रिकॉर्ड की बराबरी की। ब्रैडमैन ने 1930 से 1934 तक ओवल में लगातार 3 पारियों में 50 से ज्यादा रन बनाए थे। वही बॉर्डर ने 1985 से 1989 तक ऐसा किया था। और दोस्तों बता दें कि भारत के लिए शार्दुल ठाकुर के अलावा अजिंक्य रहाणे ने 89 रन की पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने भी 48 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस ने 3 विकेट लिए। स्कॉट बॉलैंड, कैमरन ग्रीन और मिचेल स्ट्राइक को 2-2 विकेट मिले। नेथन लियन ने 1 विकेट लिया।